हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यश। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुनाइए फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, तो आज हमने बनाया है, ये देखिए पिस्ता फालूदा आ रहा है ना आपके मुँह में, पानी लग रहा है ना, कितना टेम्पटिंग। और चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टेंट जो है रेडीमेड फलूदा मिक्स है। बस हमें यही चाहिए फ्रेंड्स, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो आप भी इसको इजीली ले लें। ये देखिए, ये इसके लिए मैंने लिया है ये आधा लीटर दूध लिया है फ्रेंड्स, और ये फीका दूध है। और आधा लीटर दूध में हम, ये देखिए मैं भगोना गैस पे ऊपर भगोना रख दिया, इसमें मैं आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। ये मैंने डाल लिया आधा लीटर दूध, और इसको हम अच्छी तरह से पहले उबाल लेंगे। ये देखिए, उबाल आने तक इसको हम चलाते रहेंगे कि हमारा दूध लगे ना नीचे, नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो लग जाता है। देखिए उबाल आ गया है, अब मैं इसमें ये इंस्टेंट मिक्स है ये डाल दूँगी। ये देखिए, ये तीन तरह कलर हैं इसके अंदर, इंस्टेंट मिक्स के अंदर। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह चलाती रहूँगी। ये देखिए आ रहा है ना कितना अच्छा कलर पे, बिल्कुल ग्रीन पिस्ते वाला। तो देखिए ऐसे चलाते रहें आप थोड़ा सा, और एक आध मिनट हाथ रोक भी सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा रोक रोक के हम चलाते रहेंगे इसको। और इसको 10-15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम इसको दूध के अंदर ही पकाएंगे फ्रेंड, ठीक है ना। और गैस को हम ना स्लो रखेंगे ना ज़्यादा हाई, मीडियम गैस के ऊपर ही पकाएंगे फ्रेंड्स हम इसको, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा उबाल आ रहा है तो हम इसको फिर बाद में थोड़ा सा स्लो कर देंगे। ये देखिए उबाल आ रहा है ना अच्छी तरह से, तो हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे गैस को, स्लो गैस के ऊपर ही हम इसको पकने देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए ऐसे, ये देखिए इसका टेक्स्चर ऐसा लग रहा है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका टेक्स्चर। तो हमें इसको 10-15 मिनट के लिए हमें पकने देना है। ये देखिए अभी पकी नहीं है, ये अच्छी तरह हमारी ये पक जाएंगी तो हम इसको सर्व करेंगे फिर, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह हम इसको पका रहे हैं। ये देखिए अब हम इसको, अब देखते हैं भैया ये पकी है कि नहीं पकी है, हम हाथ में लेके इसका देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। गली नहीं गली है ये, ये देखिए मैं हाथ, ये देखिए हाथ में लेके देख रही हूँ मैं, ये गली है कि नहीं गली है। देखिए अच्छी तरह गल चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, अब पहले तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और फ्रिज में अच्छी तरह ठंडा होकर हमने ये सर्व करेंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने, इसमें थोड़े से मैंने कैशू नट वगैरह, काजू बादाम वगैरह मैंने ले लिए हैं इसकी गार्निशिंग के लिए फ्रेंड्स। देखिए ये मैंने गार्निश कर ली है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।